पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आज मैं आपका इस कन्नौज की पावन धरती के ऊपर हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी इस कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के बड़े ही लोकप्रिय, सरल, सज्जन और ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए पूर्णता समर्पित।
है जिसको 500 रुपए का कपड़ा जिसके शरीर पर नहीं है, 100-150 रुपए की मंडी होगी, 100-150 रुपए की मंडी होगी, प्लास्टिक की चप्पल पहनते रहते हैं, ऐसा क्या एजेंडा है? केवल एक एजेंडा, मेरा पैसा वहां रहेगा, हम इंतजार रहना है। जिसको इस सोच के साथ काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, देखो आज निश्चित रूप से यदि हमारे मुख्यमंत्री जी का जहां के ऊपर भी जिक्र आता है, उत्तर प्रदेश के गरीब शोषितों के Thank you.
दो चरणों का मतदान संपन्न हुआ है और मैं सही बताऊं कि मेरी पहले दिन से इच्छा थी कि मैं यहां के कार्यक्रम में कन्नौज के कार्यक्रम में आपके साथ सहभागी बनूं। चुनाव के पहले भी दो बार मेरे कार्यक्रम बने थे लेकिन श्री सुब्रत पाठक जी को अन्यत्र एक कार्यक्रम में व्यस्त रहना था तो मैंने भी कार्यक्रम स्थगित किया था। लेकिन दो चरणों के मतदान में व्यस्तता के बाद जैसे ही मुझे समय मिला आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं और आपने जो उत्साह दिखाया है आपके इस उत्साह के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों मतदान के दिन तक इस उत्साह को कम नहीं होने देना है। भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों बिना भेदभाव की प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए बिना भेदभाव के गांवों के विकास के लिए किसानों की खुशहाली के लिए गरीबों के उत्थान के लिए नौजवान के रोजगार के लिए बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए और शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों सरकार के मंशा उसकी नीतियों में और उसकी नियत में बहुत स्पष्ट हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर कोई ऐसा दल नहीं जिसे आपने परखा न हो, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर न मिला हो। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमें मौका नहीं मिला। आज तो हम कह सकते हैं जब मौका मिला था तब उन्होंने क्या किया था। फर्क साफ है भाइयों बहनों, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, केवल मैं 2012 से 17 के बीच में बताता हूं। याद करिए सबसे पहली बात तो मैं कोरोना काल खंड के दौरान आता हूं। भाइयों बहनों पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है, लाखों लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं और इस महामारी के कारण तमाम लोगों को अपने को खोना, अपनों से अपनों को खोना पड़ा। भारत के अंदर कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना अच्छा चला जीवन भी जीविका को बचाने का जो कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। हमारी संवेदना उन लोगों के प्रति है जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन भाइयों बहनों कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन, आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। एक देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई है जिन लोगों ने वैक्सीन ली है और वे देश को विजयी बनाना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों जिन लोगों ने वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार किया उनका क्या होगा? वे लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब मैं आपसे कहूंगा क्या उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे अपने चोट के चोट से? आज बताने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग कभी हमारे हित चिंतक नहीं हो सकते और जो हमारा हित चिंतक नहीं हो सकता तो फिर वोट तो अपने सहयोगी को, अपने समर्थक को और अपने शुभचिंतक को दिया जाता है, विरोधी को नहीं दिया जाता है। और भाइयों बहनों आपने देखा होगा वैक्सीन फ्री, अब तक की जितनी महामारी थी
इन सभी महामारियों में एक बात देखने को मिली भाइयों बहनों, बीमारी से जितनी मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने भाइयों बहनों फ्री में वैक्सीन दिया, तो फ्री में हर व्यक्ति को फ्री में दो बार महीने में राशन की सुविधा भी दे दी है। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दो बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे एक बात बताइए, 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? ऐसे मिलता था? तो जो आपके संकट में, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या कोरोना काल खंड में समाजवादी पार्टी के नेता आपके पास आते थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के? तो उनको ये बोलिए कि भाई जब आप विपत्ति में साथ नहीं थे तो चुनाव के दौरान क्यों आ रहे? दो चार महीने और आराम कर लो, बाकी तो जनता हमेशा के लिए आराम करवा ही देगी। उनको एक ही जवाब देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, इन लोगों ने जनता को गुमराह करने का कार्य किया, प्रदेश के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया। और कन्नौज का तो अपना इतिहास है, सिद्ध बाबा गौरी शंकर और सिद्ध पीठ मां फूलमती का एक पवित्र धाम है, और यहां की धरती ने आज से नहीं, उत्तर प्रदेश में जब हम प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ की बात करते हैं तो कन्नौज की याद जरूर करते हैं। महाराजा हर्षवर्धन का संबंध इसी धरती से था, और कभी आपके पूर्वजों ने कन्नौज को उस परंपरा के साथ जोड़ते हुए कन्नौज के इत्र को वैश्विक मान्यता प्रदान कराई थी। लेकिन भाइयों बहनों, इन समाजवादियों को वो भी अच्छा नहीं लगा, इन्होंने तो पहले वृद्धजनों की पेंशन पे डकैती डाली, विधवा महिलाओं की पेंशन पे डकैती डाली, दिव्यांग जनों की पेंशन पर डकैती डाली। मैंने कहा ये पेंशन कहां चली गई, तो पता लगा कि समाजवादी पेंशन के नाम पे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को ये बांटा जा रहा है। हमने कहा पेंशन समाजवाद के नाम पर नहीं होता, पेंशन गरीब के लिए होता है, पेंशन किसान के लिए होता है, पेंशन निराश्रित महिलाओं के लिए होता है, पेंशन दिव्यांग जनों को होगा। और भाइयों बहनों, हमने उस पेंशन को निकाल करके फिर से प्रदेश के 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। चुनाव के पहले इन्होंने समाजवाद के नाम पे एक इत्र भी लॉन्च किया, मुझे शक हुआ। समाजवाद के नाम पे इत्र, और आपने देखा होगा अपनी आंखों से, इत्र में प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे इन लोगों ने किले नुमा भवन के अंदर कैद करके रख दिया था, वह सब आपने अपनी आंखों से देखा है। इस समाजवाद इत्र का बदबू कैसे कन्नौज को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। भाइयों बहनों, आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, इंजीनियरिंग संस्थान बन रहे हैं, आपके यहां पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर इत्र के लिए हम उस पार्क के निर्माण को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब को राशन दे रहे हैं, गरीब को फ्री में उपचार की सुविधा दे रहे हैं, गरीब को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, सरकार बदलने से कैसी सुविधा हर गरीब तक पहुंच जाती है, हर किसान तक पहुंच जाती है। कारण है, पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, आज यही पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के 2.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में जा रहा है। पहले यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर जाता था, सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ होता है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला फैसला क्या किया था? प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला करने वाले, कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को ये लोग वापस लेते हैं। उनकी सहानुभूति गरीब के प्रति नहीं, किसान के प्रति नहीं, दलित के प्रति नहीं, वंचित के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं। नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे, प्रदेश का नौजवान देखता रह जाता था, पैसा नहीं तो नौकरी नहीं। और उसमें भी क्या क्या खेल नहीं होता था, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर आज सरकारी नौकरी प्रदेश के नौजवानों को मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से कन्नौज का इत्र एक बार फिर से वैश्विक मंच पर फिर से अपनी छाप को छोड़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, आलू किसानों के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दी है, फूड प्रोसेसिंग के बेहतरीन सेंटर स्थापित हो रहे हैं, आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होकर के किसी भी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार आज उस दिशा में कार्य कर रही है। इन समाजवादियों ने जो समाजवाद के नाम पर केवल परिवारवाद का नंद तांडव करते थे, 5 साल में 18 हजार गरीबों को मकान नहीं दे पाए। लेकिन डबल इंजन की सरकार 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दे दी है, एक एक मकान दे दी है, 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय दे दिया है। और भाइयों बहनों, 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे रही है। और यही नहीं, 15 करोड़ लोगों को हर महीने 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। भाइयों बहनों, ये है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे जीवन का ध्येय है। लेकिन इन समाजवादियों के लिए सबका साथ और सेफई परिवार का विकास ही मात्र है, ये इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पहले लोग 5 साल पहले क्या स्थिति थी, प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, किसान खेत में जाने से डरता था। और भाइयों बहनों, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, महीनों कारोबार बंद रहता था। आज आप देख रहे होंगे कोरोना भी प्रदेश की रफ्तार को नहीं थाम रहा है, और हम लोगों ने कर्फ्यू तो हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कर्फ्यू का जवान क्या स्थान आज कावड़ यात्रा ने ले लिया है। जो बमबाजी होती थी, अब बमबाजी नहीं होती है, अब तो हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ कावड़ यात्री निकलता है, शिव भक्ति में लीन होते हुए निकलता है। आज अव्यवस्था और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोगों ने व्यवस्था की है अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं। एक हाथ में विकास की छड़ी होगी, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर भी एक साथ चलेगा, मजबूती के साथ चलेगा। और इसीलिए अच्छे प्रत्याशी और अनुभवी प्रत्याशी दिए हैं आपको। याद करिए, यहां पर आपके पास हम लोगों ने कन्नौज जनपद में छिबरामऊ से श्रीमती अर्चना पांडे जी को प्रत्याशी बनाया है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी की सुपुत्री है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थी, उनको टिकट देकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी समर में उतारा है। श्री कैलाश राजपूत जी को बनाया है, बाबूजी के साथ, कल्याण सिंह जी के साथ उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा करके इस मिशन को आगे बढ़ाया है। वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, कन्नौज से हम लोगों ने एक प्रदेश के योग्य पुलिस अधिकारी को लिया है। याद करिए, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे श्री राम अरुण जी, बहुत ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी थे, उनकी एक प्रतिष्ठा थी। और पिता जैसे थे वैसे ही पुत्र ने भी अपना नाम कमाया, अपनी मेरिट पर आईपीएस बने, और आईपीएस बनने के बाद जो दायित्व तो जहां भी आ गया पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कोई आरोप नहीं लगा सकता, और पूरी शानदार तरीके से सेवा करते हुए जब उन्हें लगा कि पुलिस की सेवा के साथ अब मैं अपने गरीब भाइयों के लिए, दलित वंचित और समाज के इस प्रत्येक वर्ग के लिए और अच्छी सेवा में मोदी जी के मिशन के साथ जुड़ के कर सकता हूं, उन्होंने मेरे सामने आके कहा क्या मैं भी, तो मैंने कहा भी आप इतनी अच्छी सेवा अपनी छोड़ेंगे? आईपीएस बनना किसी भी नौजवान का एक सपना होता है, और जिसकी अभी 8 से 10 वर्ष की सेवा हो, तो मैंने कहा आप नौकरी छोड़ देंगे? उन्होंने कहा अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन कहा आप अगर पहले परिवार से बात कर ले, देखिए आप परिवार के आदमी हैं, अपने परिवार से बात करो। कहा परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर समाज सेवा करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, सेवा के लिए आना है तो हम भी सहयोग करेंगे। और भाइयों बहनों, फिर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण, उन्होंने पुलिस सेवा से अपने को अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कन्नौज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। भाइयों बहनों, योग्य व्यक्ति जब चुन के जाता है ना, मेरिट के आधार पर शासन की सुविधा को घर घर गांव गांव तक पहुंचाने का काम करता है। याद करिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कैसे देश की तस्वीर बदल गई। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में प्रदेश में नहीं आती, दंगा होते रहते, अराजकता फैलती रहती, अव्यवस्था फैलती रहती, समाज में अव्यवस्था फैलती। लेकिन आज जो बदलाव दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अच्छे लोग चुन करके जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, बिना भेदभाव के काम करेंगे, सबको सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, और हम तो सबका साथ सबके विकास की जब बात करते इसी उद्देश्य से करते हैं। और मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, लेकिन विजयी तब बनेंगे जब पहले चुनाव के दिन पहला काम मतदान का और फिर जलपान का, पहला काम मतदान और फिर मतदान करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान कराने के लिए और कमल चुनाव चिन्ह पर उनको मतदान कराने के लिए प्रेरित करेंगे, सभी लोग तैयार हैं। इधर भी सड़क के इस पार भी, इधर भी, सभी लोग दोनों हाथ लगाकर के मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।